पूरब जिलाई। समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। जी हां, शरद यादव को इमरजेंसी की स्थिति में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका पल्स काम नहीं कर रहा था। 12 जनवरी को रात करीब 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शरद यादव के निधन पर राजनीति से जुड़े कई लोगों ने शोक जताया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शरद यादव जी के निधन से दुख हुआ है। पीएम ने कहा कि सालों के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद पर सांसद और मंत्री पद को हावी नहीं होने दिया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरित थे। उन्होंने कहा कि हमारे बीच बातचीत को मैं हमेशा याद रखूंगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव के आकस्मिक निधन पर अपने शोक संदेश में कहा है कि ये उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा कि शरद यादव से उनका जुड़ाव काफी पहले से रहा था। नीतीश ने कहा कि वे देश में समाजवादी सोच के अग्रणी नेताओं में शुमार थे। उन्होंने कहा कि उनका निधन देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शरद यादव के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से हम सभी बहुत दुखी हैं। तेजस्वी ने कहा कि शरद यादव समाजवादी विचारधारा के अग्रणी नेताओं में से एक थे। तेजस्वी ने कहा कि हाल ही में उन्होंने हमें कहा था कि अपनी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ो। वहीं इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वे बड़े भाई की तरह थे। शरद यादव के प्रयासों से बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे लालू प्रसाद राजद अध्यक्ष। लालू प्रसाद ने उन्हें महान समाजवादी नेता बताते हुए कहा कि वे हमारे बड़े भाई थे। उन्होंने कहा कि उनके निधन की खबर से मैं विचलित हूँ और इससे काफी आघात लगा है। सिंगापुर के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव ने अपना शोक संदेश वीडियो के माध्यम से भेजा है। उन्होंने कहा कि शरद महान समाजवादी और एक बहुत अच्छे नेता थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और दूसरे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के साथ मिलकर राजनीति करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद और मैं कभी बोलने, भाषण देने और विचारों के मामले में लड़ भी जाते थे, लेकिन इस लड़ाई में कभी कट्टरता नहीं आती थी। लालू यादव ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चीर शांति दे। शरद यादव ने निधन पर भाजपा नेताओं ने गहरा शोक जताया है। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा है कि शरद यादव मेरे राजनीतिक अभिभावक थे और मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा कि बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने शरद यादव के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे तथा शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। इस तरह तमाम नेताओं ने शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। रबजी चैनल की तरफ से भी हम सभी कहेंगे कि शरद यादव की ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।